विदिशा जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधालय का शुभारंभ प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर किया जा रहा है, जहां रियायती दाम पर दवाइयां मिलेंगी। इसी के साथ अस्पताल में ही एम्स के माध्यम से एक उपचार केंद्र भी प्रारंभ होने जा रहा है, जो पूरे देश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ होगा। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी दीपक शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर इस संबंध में तैयारियों का जायजा लिया। बता दें, इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी शामिल होने की संभावना है। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश जोशी, मैं डीन एकेडमिक्स हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल से। तो कल हम एक महत्वपूर्ण सुविधा का उद्घाटन यहाँ पर कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जिसके अंदर पूरे विदिशा जिले की जो अकस्मात इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे रेफरल को बेटर बनाया जाए, उसके लिए एम्स भोपाल की एक इकाई विदिशा जिला अस्पताल में ऑलरेडी स्थित रहेगी और ये PHC CHC के साथ एक कोऑर्डिनेशन करेगी, जिला अस्पताल के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी और विदिशा मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी कि रेफरल में जो समय बीतता है और जिसमें देरी आती है और उसको किस तरह से और सुदृढ़ बनाया जाए ताकि ये व्यवस्था को और अच्छा किया जाए। इसके अलावा हम एक स्किल लैब का उद्घाटन और कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ विदिशा जिले के लिए स्किल लैब विदिशा में ही होगी, जिसमें जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो आशा हैं, ANM हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको इमरजेंसी केयर का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ये एक मॉडल हम डेवलप कर सकें और ये पूरे देश में लागू हो। कल 17 दिसंबर को जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई है, उसका शुभारंभ कल सुबह 10 बजे के आसपास तय हुआ है। उसके संबंध में तैयारियों का जायजा लेने जिला प्रशासन की पूरी टीम उपस्थित हुई है। तो ये औषधि केंद्र जो है, इसकी उपयोगिता काफी सिद्ध होने वाली है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। उसी के साथ स्वच्छता ही सेवा का भी शुभारंभ है, क्योंकि आप सभी को उदित होगा स्वच्छ भारत मिशन अभियान को 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में कल इस योजना का शुभारंभ होने वाला है, तो वो भी सुबह कार्यक्रम रहेगा, जिसमें दोपहर को 3 बजे एम्स और ICMR के तत्वाधान में आकस्मिक चिकित्सा सेवा योजना और EICU का शुभारंभ होना तय हुआ है, वो भी इसी प्रांगण में होना हुआ है। उसके संबंध में भी यहाँ व्यवस्थाएं देखने हम लोग आ जाए थे और तैयारियां हमारी हो गई, कल इन सभी चीजों का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा।